नमस्कार, मैं हूँ साना राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे बिहार का सरस मेला लगा हुआ है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि इस सरस मेला में क्या कुछ है और क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं और ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरस मेला है इसमें कई तरह की चीज़ें लगी हुई हैं और सबसे खास बात ये है कि ये जीविका दीदियों ने लगाया हुआ है। ये स्टॉल जो है जीविका दीदियों ने लगाया है और अलग अलग जगह अलग अलग प्रदेशों से जो है ना जीविका दीदी आई हुई हैं, अलग अलग जगहों से आई हुई हैं और उन लोगों ने स्टॉल्स लगाया हुआ है और प्राइवेट स्टॉल्स भी लगे हैं। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, सबसे पहले ये स्टॉल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे दीदी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, जरा आगे आके बताइए आप क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या आप लोग सेल कर रही हैं। साड़ी है, पेपर सिल्क है, खादी कॉटन है, तसर सिल्क है और दुपट्टा है, स्टॉल है एवं प्रकार का पर्स बैग सब है। अच्छा, ये सब आप लोग खुद बनाती हैं क्या? जी, ये हैंडमेड चीज़ें होती हैं। जी, क्या रेंज होता है इन सब चीज़ों का? 500 से स्टार्ट है। दिखाइए तो हमारे ऑडियंस को ये पर्स वगैरह। जैसे ये है तो ये 700 हुआ, ये भी 700 हुआ और ये 250 का हुआ, ये हुआ 550 हुआ, इसी सब का रेंज सबका है। सब इसी सब रेंज में है। अच्छा, और वो सब क्या है ज़रा दीदी ये बताइए, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये क्या है? ये जैसे फ्लावर है, ये भी हम लोग हाथे से बनाते हैं, सिक्की का है ये। जी, और ये सब भी हम हाथे से बनाते हैं। जीविका दीदी मैंने अपना अपना, जिसको कोई ये वर्क पेंटिंग किया, कोई ये बनाती है, लेकिन हम लोग दीदी लोग में बनाते हैं। दीदी लोग, आप लोग कहाँ की हैं? दरभंगा की है, मधुबनी की है। जैसे वो दीदी है मधुबनी की है, हम दरभंगा की, हम दो दीदी हैं। अच्छा, तो आप लोग मिलके स्टॉल चला रही हैं। कितना बेनिफिट हो जाता है, लोग खरीदते हैं? हाँ, लोग खरीदते हैं, अच्छा खासा हो जाता है। बता दें कि सरस मेला जो है ना काफी बड़े पैमाने पे बनाया गया है और इसमें अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के सामान जो है वो सेल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कारपेट्स हैं, कंबल है और भी कई तरह की चीज़ें हैं, हम आपको दिखाएंगे। पहले चलते हैं, आपको बता दें कि ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये अलग अलग नाम पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं सामने की गंडक लिखा हुआ है, गंडक का पूरा स्टॉल बनाया गया है। वहीं उसके बगल में महानंदा, उसके बाद गंगा और साथ में कोशी, सारी नदियों के नाम हैं और जो कि सभी के नामों पे स्टॉल बनाया गया है। और यहाँ पे लोग भी हैं, जरा इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या बेच रहे हैं। अच्छा भैया, आप लोग क्या क्या यहाँ पे बेच रहे हैं? कालीन है मिर्ज़ापुर का। आप लोग मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं? जी हाँ। क्या रेट है? रेट सबका अलग अलग रेट है। अच्छा, यहाँ पे लोग खरीदते हैं ये कारपेट? हाँ खरीदते हैं, क्यों नहीं खरीदेंगे। कैसे बनता है ये? हाथ से बनता है। आप लोग हाथ से बनाते हैं? मतलब हाँ, ये कारीगर बनाते हैं, होती है हैंडमेड है, चीज होती है। एक दिखाइए तो जरा, ये देखिए इसका क्या रेंज होगा? इसका रेंज होगा 2000 रुपए। 2000 रुपए? इसमें खास क्या होता है जरा ये बताइए। खास ये चीज है, डस्ट फ्री है, इस पे डस्ट पकड़ेगा नहीं, अच्छा चीज है, धूल मिट्टी पकड़ेगा नहीं, झाड़ देंगे साफ हो जाएगा और ये टिकाऊ है, चलेगा। अच्छा, ये जितने भी लोग आए हुए हैं ये सब मिर्ज़ापुर से ही है क्या? नहीं, कोई भदोही से है, कोई मिर्ज़ापुर से है। अच्छा, मिर्ज़ापुर का कालीन बहुत फेमस है। अच्छा, मिर्ज़ापुर का आप जानते हैं कि? हाँ, नामी चीज़ है। हाँ, नाम बिकता है। तो यहाँ पे सभी लोग मतलब यही सब चीजें बेचने के लिए आए हुए हैं, कालीन जी। तो आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ापुर की कालीन जो कि काफ़ी फेमस है, तो मिर्ज़ापुर के जो कारीगर हैं वो लोग आए हुए हैं कारपेट बेचने के लिए। और भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे कारपेट बिछी हुई है पूरे मेला में, लोग जो है खरीद के लेके जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सस्ता भी है, ठीक ठाक है। और स्पेशल बात यह है कि जो डस्ट होता है वो इस पर जमता नहीं है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं काफ़ी बड़े पैमाने में लोग आ रहे हैं यहाँ पर और ख़रीद रहे हैं सामानों को। यही कारपेट लेके आए हैं मैडम जो है। आप कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर जिला से हैं। मिर्ज़ापुर जिला से? आप भी मिर्ज़ापुर जिला से ही हैं? कितना बिक जाता है आपका? अभी तो कुछ रिस्पांस नहीं है, अभी तो बहुत पोजीशन खराब ही चल रहा है जो है। देखो अभी कितना दिन है ये सरस मेला? अभी 29 तक है ये जी, आज 15-29 तक है जो है। अभी देखो रिस्पांस क्या जाता है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने देखा सरस मेला में क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। अब हम आपको थोड़ी देर के बाद लेके चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि सरस मेला में जो रसोई वार्ड है वो किस तरीके से सजाया गया है, क्या क्या खाने के सामान वहाँ पे बिकने वाले हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।